The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और आपको हर चीज में सुनने को मिलता है कि इसमें विटामिन सी है, विटामिन बी है, तेल में विटामिन है, वाइटामिन्स हैं, पानी में फोर्टिफाइड विटामिन्स हैं, ऑरेंज जूस में विटामिन वाइटामिन्स हैं और ये सब बनाए जाते हैं ताकि एक्चुअली में आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो, ठीक हो। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है किसी विटामिन में तो इन सब खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों में, बिस्किट्स में या कोई ना कोई और प्रोडक्ट में आपको एक्स्ट्रा विटामिन मिल जाए ताकि आपकी कमी पूरी हो जाए, राइट। बिल्कुल ऐसे ही आपको विटामिन एक्सेस हो सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई एक पर्टिकुलर विटामिन लेते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा विटामिन सी या बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का कोई मिनरल जैसे कि जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वो आपको छोटा सा छोटा प्रॉब्लम जैसे कि पेट में गड़बड़, नौजिया, डायरिया, पेट में क्रैम्प ऐसी चीज़ें और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए जैसे कोई अगर मान लीजिए सेलेनियम आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो वो आपका हेयर लॉस कर देगा, पेट को अपसेट कर देगा, थकावट कर देगा और इवन नर्व डैमेज, माइल्ड मॉडरेट नर्व डैमेज कर सकता है। सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में तो डेफिशिएंट ही हैं विटामिन से, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एकदम खाना ब्रेकफास्ट भी फोर्टिफाइड खाते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल, बाद में खाने के बीच में एनर्जी बार खा लेते हैं, फिर कोई एनरिच्ड पास्ता लेते हैं, कोई डाइटरी सप्लीमेंट विटामिन्स भी खाते हैं और साथ में बहुत सारे अलग अलग के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ये भी खाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है अगर आप इतना कुछ खाएंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप बिना सोचे समझे ओवरडोज कर पाए, ओवरडोज हो जाए, चांस है, राइट। तो अगर आप ओवरडोज हो जाता है, ज़्यादातर लोगों को रियलाइज नहीं होता कि वो ओवरडोज कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या हो जा रहा है, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसको याद रखिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, कोई भी मेडिकल सप्लीमेंट, कोई भी नॉन मेडिकल आयुर्वेदिक नेचुरल हर्बल कोई भी सप्लीमेंट है उसमें या तो विटामिन होते हैं या तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या तो नेचुरली ऑकरिंग कोई फिनॉल्स, फिनोकेमिकल्स, कुछ ना कुछ होता है जिससे कि आपकी बॉडी की कुछ ना कुछ डेली रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन वो भी एक लिमिट है, हर चीज़ एक्सेस में आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, चाहे ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, चाहे पानी हो, चाहे नमक हो, चाहे शक्कर हो, एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल, राइट। सो एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल, सो इवन विटामिन्स इन एक्सेस कैन बी हार्मफुल। देर आर सम विटामिन्स विच जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो तो बॉडी से ज़्यादातर जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डोज में ले रहे हो देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो हमेशा कोई भी सप्लीमेंट अगर आप विटामिन का ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से आप बात करेंगे। बेसिक मल्टी विटामिन्स जो आते हैं उनको अल्टरनेट डे हफ्ते में एक आध बार लेने में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि बहुत सारे विटामिन्स हैवी डोज में भी आते हैं और बहुत ज़्यादातर विटामिन्स जो होते हैं सेफ लिमिट में आते हैं। इसीलिए ज़्यादातर विटामिन्स जो होते हैं उनमें जो डेली आरडीए होते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का आधा हिस्सा या फिर उससे कम ही हिस्सा होता है, डेफिशिएंसी को पूरा करने का नहीं होता है। दैट इज़ वाई जो डॉक्टर्स विटामिन्स देते हैं कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन्स देते हैं अगर डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक विटामिन डी को ले लें, विटामिन डी अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से 500 या 1000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन डेफिशिएंसी में उसको 60,000 यूनिट की डोसेस दी जाती है, कैप्सूल्स में, लिक्विड्स में, सैशे में, या 600,000 यूनिट का इंजेक्शन लगता है और डेली बेसिस में आपको 1000, 1500 यूनिट, 2000, 3000, 4000 यूनिट चाहिए। बस बड़ी मुश्किल, थोड़ा बहुत धूप से मिल जाए, थोड़ा बहुत खाने पीने से, इस तरीके के उससे मिल जाता है आपको, राइट। सो इसी तरह से विटामिन ए, विटामिन डी, कई सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनका ओवरडोज हो सकता है अगर आप सही
मिसयूज करें इन सारे मल्टीविटामिन्स का। कई बार लोग अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, जिम वाले सोच रहे हैं मुझे तो ज़्यादा चाहिए, बट देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। सो आपको किस किस चीज़ों को देखना है ज़रूरी, वाइटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये तीन चीज़ों को तो आपको पक्का 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 देखना है, ये विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, बिकॉज बाकी सारी चीज़ों को आप कम देख सकते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, राइट। साथ ही आपको देखना है विटामिन बी ट्वेल्व को, बी ट्वेल्व भी कमी और एक्सेस होता है बहुत आसानी से, डी इज वेरी वेरी सिंपल, अगर ज़्यादा हो जाए तो अपर लिमिट में आपको थोड़ा बहुत हार्ट प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो हार्ट प्रॉब्लम में रिदम प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी पोटेशियम, कैल्शियम, देन ऑल्सो मसल प्रॉब्लम, पोटेशियम में हार्ट प्रॉब्लम, सोडियम में दिमाग का प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, यू नो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। खाने पीने से लेके विटामिन तक आपको ध्यान रखना है, तो मेन चीज़ ये हुई। अब अगर सोचें कि ओवरडोज अगर किसी को होगा तो ओवरडोज या तो कई बार लोग जानबूझ के भी एक्स्ट्रा दवाई ले लेते हैं और उन्हें लगता है विटामिन की गोली एक्स्ट्रा ले लिया कुछ नहीं होगा लोगों को डराने के लिए, लेकिन देन ऑल्सो देयर कैन बी प्रॉब्लम, देयर कैन बी एक्चुअली इसको पॉइजनिंग के हिसाब से देखा जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई एक प्रकार की दवा ले ली, यू नेवर नो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेस में बहुत हार्मफुल हो सकता है, एक्सेस में कोई हैवी मेटल हो सकता है, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट हो सकता है जो आपके टॉक्सिक हो सकता है लार्ज अमाउंट में और सीरियस रिस्क हो सकते हैं उससे। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन अपने आप में ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट है, कैल्शियम अपने आप में टॉक्सिक है, कैल्शियम की नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1000 से 1500 मिलीग्राम होती है पर डे, और कुछ सिचुएशंस में प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट्स, केला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे इंसान की नॉर्मल डे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जो लोग नहीं खाना प्रॉपर खाते उन लोगों में डेफिशिएंसी होती है, जो लोग दूध नहीं पीते उनमें डेफिशिएंसी, जो केला नहीं कुछ नहीं खाते प्रॉपर हाई कैल्शियम तो उनमें डेफिशिएंसी, उनको फिर सप्लीमेंट लेना पड़ता है, बुढ़ापे में सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कैल्शियम जैसी चीज़ों के, लेकिन एक्सेसिवली लेना इज़ ऑल्सो बैड, राइट। और सिम्टम क्या होंगे, अभी तो ये चीज़ पहले तो देख लीजिए, मल्टीपल चीज़ों की ओवरडोज हो सकता है तो सिम्टम्स भी आपके मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं। सो हम बात करेंगे जनरलाइज क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, आपको किडनी या ब्लैडर के सिम्टम हो सकते हैं, आपका यूरिन थोड़ा क्लाउडी आ सकता है, फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा बार यूरिन आ सकता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, इंक्रीज्ड अमाउंट बढ़ सकता है, आपके आइज़, नोज़, माउथ और थ्रोट, ड्राई हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, आई में इरिटेशन हो सकता है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, बोन्स में पेन, जॉइंट्स में, मसल्स में पेन या मसल्स में वीकनेस आ सकती है, कन्फ्यूजन, कन्वर्जन्स, दिमाग में कन्फ्यूजन्स, हाथ पैरों में कोई कन्वर्जन्स, बेहोश या गिर जाना, बेहोश हो जाना, फेंटिंग, हेडेक, दिमागी मेंटल चेंजेस, मेंटलिटी चेंजेस, इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्किन में ब्लड फ्लश आ सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, स्किन ड्राई, क्रैक हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, येलो ऑरेंज जैसा स्किन कलर हो सकता है, सन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, हेयर लॉस हो सकता है सेलेनियम जैसी चीज़ों से, और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा आयरन ले लेते हो, आयरन से गैस्ट्राइटिस होता है बहुत ज़्यादा आयरन से, तो आयरन से गैस्ट्राइटिस होगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ सकती है, भूख लगने में दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लडी ब्लड भी आ सकता है डायरिया में, और वेट लॉस हो सकता है अगर बहुत लंबे समय तक आप ओवरडोज लेंगे तो। कई बार हमें लगता है वज़न बढ़ाना है उस लेते हैं लेकिन वेट लॉस हो रहा है, उल्टी आ सकती है, नौजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बहुत कॉमन। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर लगता है किसी ने बहुत सारी मेडिसिंस खा ली, बहुत सारी मल्टीविटामिन खा ली है, तो बिफोर कि आप कुछ करें, राइट, आपको एक्चुअली मेडिसिंस को भी इस तरह के कि किसी भी मेडिसिन हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, आपको एक पॉइजनिंग के जैसे लेना है। अगर क्रोनिकली हुई है तब तो अलग चीज़ है, तब तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी ने जानबूझ के बहुत सारी खा ली है तो भी आपको तुरंत इमरजेंसी जाके उसके
पॉइजनिंग कंट्रोल जैसा काम होता है बेसिकली, उसको लगेस्टिक लवाज करते हैं क्योंकि वी नेवर नो कि उसमें क्या था, फिर उसमें उसको असेस किया जाता है कि उसमें क्या क्या था और क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, रिमेंबर दैट। और इसमें भी कई बार जो विटामिन ए विटामिन डी उसके लार्ज डोजेस ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होते हैं, बाकी विटामिन B12 के विटामिन के ज़्यादातर डोजेस कोई खास सिम्टम नहीं कॉज करते। मेडिकल ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो ऐसे केसेस में, कैल्शियम ओवरडोज में तो बहुत अच्छा रिकवरी हो जाती है, कोई खास जानलेवा कंडीशंस कम ही होती हैं। आयरन ओवरलोड में ज़रूर हो सकती है, आयरन ओवरडोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इंटेस्टाइन लिवर इनमें भी डिपॉजिट होके उसको स्कारिंग लिवर भी ख़राब कर सकते हैं। सो इसीलिए जो भी चीज़ आप ले रहे हैं अपने डॉक्टर से रेगुलरली बातचीत करें, उसके बारे में चेक करवाएं। और हॉस्पिटल्स में जब भी आप चेकअप करते हैं ब्लड में यूरिन में उनमें आपका टेस्ट्स में कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है, और विटामिन प्रोफाइल्स कराने में कोई नुकसान नहीं है, विटामिन प्रोफाइल एक अच्छी चीज़ें हैं। और ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सिम्टम्स पे और किस चीज़ का ओवरडोज हुआ उस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो एक विटामिन ओवरडोज के बारे में ये मेन मोटी मोटी जानकारी है। मेन की फैक्टर जो आपको अभी यहाँ से घर लेके जाना है, समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी खा रहे हो वो विटामिन अनरिच्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपका नेचुरल वे में जितना विटामिन आएगा, जितने फ्रूट्स खा के सैलड खा के सब्जियां खा के दूध पी के फोर्टिफाइड फूड की जगह, उतना बेहतर है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो B12 फोर्टिफिकेशन आपको ज़रूरी है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन नहीं है तो B12 भी आपकी डाइट में दूध चिकन इस तरह नॉनवेज सोर्सेज से है। सो मेक श्योर टू टॉक टू योर डॉक्टर व्हाट काइंड ऑफ मल्टीविटामिन यू नीड एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू नीड इट बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग विथ योरसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो और फॉर चैनल ऑफ समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई एंड आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ।